नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज से हरिद्वार महाकुंभ 2021 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। कोरोना महामारी के चलते अब शासन प्रशासन सख्त है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। इंतजार हुआ खत्म, महाकुंभ की हो गई शुरुआत। हरिद्वार पहुंच रहे हजारों भक्त। कुंभ मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए नए नियम। दिखानी होगी 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। 83 वर्षों की अवधि के बाद आया शुभ अवसर। हरिद्वार में कुंभ मेला आज से शुरू हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। भारत में हर 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार हरिद्वार में ये 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ है। दरअसल अमृत योग का निर्माण काल गणना के अनुसार होता है। जब कुंभ राशि का गुरु आर्य के सूर्य में परिवर्तित होता है, यानी गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। 83 वर्षों की अवधि के बाद इस वर्ष ये अवसर आ रहा है। इससे पहले इस तरह की घटना वर्ष 1760, 1885 और 1938 में हुई थी। इस वर्ष भी कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों भक्त इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। कुंभ में इस बार 4 शाही स्नान होंगे और इसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। इन अखाड़ों में झांकी निकाली जाएंगी। इस झांकी में सबसे आगे नागा बाबा होंगे और महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नागा बाबाओं का अनुसरण करेंगे। शाही स्नान की तिथियां: सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल 2021, बैसाखी 14 अप्रैल 2021, रामनवमी 21 अप्रैल 2021, चैत्र पूर्णिमा 27 अप्रैल 2021। तो महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और भक्तों का तांता हरिद्वार में लग गया है। और अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।